साइबर क्राइम की हो रही घटनाओं को देखते हुए एसपी क्राइम इंदु प्रभा सिंह ने शुक्रवार को अपने कार्यालय में शहर के सभी सिनेमा हॉलों के मैनेजर के साथ बैठक किया, जिसके संबंध में एसपी क्राइम इंदु प्रभा सिंह ने बताया कि साइबर अपराध की घटना तेजी से बढ़ रही है, जिसको देखते हुए तरह तरह के माध्यम द्वारा जनता को जागरूक किया जा रहा है कि कोई भी साइबर अपराध का शिकार न हो। इसी उद्देश्य से शहर के सिनेमाघर के मैनेजर के साथ बैठक किया गया है, ताकि सिनेमा के माध्यम से लोगों को जागरूक किया जा सके, ताकि कम से कम लोग साइबर अपराध का शिकार हों। पुलिस साइबर अपराध की रोकथाम के लिए लगातार कोशिशें कर रही है, ताकि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक किया जा सके। उन्होंने कहा कि सिनेमाघर के मैनेजर को पुलिस द्वारा एक स्लाइड दिया जाएगा, जो साइबर अपराध जागरूकता के लिए चलाएंगे, जिससे लोगों के अंदर जागरूकता फैलेगी। उन्होंने कहा कि साइबर अपराध को लेकर सभी लोग सतर्क रहें और अपने दस्तावेज, ओटीपी, ईमेल आईडी, पासवर्ड की जानकारी किसी को भी ना दे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसपी क्राइम इंदु प्रभा सिंह ने कहा, उनको स्कीम आती है कि आप इस पर क्लिक करें, या आपकी लॉटरी लग गई है, आप इतना पैसा दें, आपको उसके बदले में फिर आपको इतना पैसा दिया जाएगा, लेकिन आपको उसके पहले एक इनिशियल अमाउंट उस बैंक में जमा करना है। तो लोग तो उसको मुकदमा लिखवाता नहीं चाहते हैं। हम लोग का प्रयास ये रहता है कि हम लोग उनका पैसा जितना गया है उनको वापस कर दें। कभी हम लोगों ने एक व्यक्ति के 40,000 रुपए गए थे, 3-3 लाख, 4-4 लाख लोगों के निकले हुए, 26-26 लाख लोगों की जो योजनाएं चल रही है हमारे यहाँ पे। तो मुझे लगता है कि इसको जागरूकता के अभाव में ऐसा हो रहा है। जैसे कई बार गैस सिलेंडर बुक करने के लिए कहते हैं कि आप ऑनलाइन बुक करा रहे हैं, मतलब बच्चों के साथ में जो बच्चे गेम खेलते हैं, तो मतलब ऐसा कोई तबका नहीं है जो इससे प्रभावित ना हो, चाहे वो बच्चे हो, चाहे वो मतलब आप कह रहे हैं तो मुझे लगता है 10-12 साल से लेके और 80 साल तक के, जितना भी आप समझ लें। इवन मेरे जो है एक मैं ऑडिट दिलवा रही हूँ, हमारा ये साउंड सिस्टम है ना ट्रैफिक वाला, उसको दिलवा रहे नौकायन पे मैंने दे रखा है वहाँ पे चलाने के लिए। बट मुझे लगता है कि आप लोगों के यहाँ पे ना ज़्यादा जनता आती है, तो जितने भी लोग आते जा रहे हैं अगर उसमें से थोड़े से भी लोग जागरूक होंगे तो हम लोगों का जो पर्पज है सॉल्व हो जाएगा, बाकी यहाँ पर और भी। बट ये कि हमारे जितने भी सोर्सेज, हम लोग जितने भी हम लोग आइडिया लगा सकते हैं लोगों को अवेयर करने के लिए, उन सबका प्रयोग करते हुए ज़्यादा ज़्यादा लोगों को हम लोग अवेयर कर सकते हैं। तो इसमें आप लोगों की थोड़ी हेल्प चाहिए हमें। आज जैसे साइबर अपराध का दायरा बढ़ता जा रहा है, तो उस संबंध में जनता को और जागरूक बनाने के लिए और उन्हें साइबर अपराध से सुरक्षित करने के उद्देश्य से आज सुबह जितने भी गोरखपुर में पिक्चर हॉल्स हैं उनके जो मैनेजर से उनको बुलाया गया था, ताकि उसमें हम उस उनके माध्यम से हम लोगों को जागरूक कर सकें, ताकि कम से कम लोग साइबर अपराध का शिकार हो और सुरक्षित रह सकें उस साइबर अपराध से। इसी संबंध में उनकी बैठक बुलाई गई थी, जिसमें सभी मैनेजर्स ने जो भी हम स्लाइड देंगे उनको उसको चलाने के लिए और जो भी योगदान उनके स्तर से है उसको करने के लिए उन्होंने आश्वासन दिया है, और मैं उम्मीद करती हूँ कि इससे जनता में जागरूकता फैलेगी और कम से कम लोग साइबर अपराध का शिकार होंगे। आपको क्या लगता है कि